हे हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। तो गाइस आज बात करने वाले हैं एक छोटे से प्यारे से टॉपिक की, और ये लेक्चर बहुत छोटा ही होने वाला है, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। तो बढ़िया से ये सारे कंसेप्ट हमने कवर कर लिए हैं, होप सो कि आपने एंजॉय किया होगा और आपने उसकी प्रैक्टिस करी होगी मस्त तरीके से, न्यूमेरिकल भी आप सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है कि आज बात करने वाला हूं मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डायपोल। तो ये पोटेंशियल के सारे कंसेप्ट कहीं ना कहीं हमने कवर कर लिए हैं, उनके न्यूमेरिकल जितने आप सॉल्व कर सकते हो उतने ही कॉन्फिडेंस आपका ऑब्वियसली मैं हमेशा बोलता हूं बढ़ जाएगा दोस्तों, ठीक है, उतने ही कॉन्फिडेंस में आप रहने वाले हो, ठीक है। तो लास्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फर्स्ट आपका कंप्लीट हो चुका है एक तरीके से, लास्ट आपका जो बचेगा वो कैपेसिटर बचेगा, और कैपेसिटर को भी मस्त तरीके से हम कवर अप करेंगे क्योंकि एक क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। ओके, सो आर यू रेडी गाइस? ओके, लेट्स स्टार्ट द मिशन। ओके, सो कम ऑन। तो यहां पे हम बात करने वाले हैं दोस्तों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डायपोल, ठीक है। अभी हम सिंगल किसी चार्ज की वजह से पोटेंशियल की बात करते थे, अभी डायपोल की वजह से बात करेंगे। और डायपोल क्या होता है ये हम सबको बहुत अच्छे से बताया, दिस इज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ अरेंजमेंट जिसमें दो चार्ज होंगे इक्वल एंड अपोजिट, पता है ना? यस यस यस। तो यार सर हम ओके डायपोल की वजह से बात कर रहे हैं, यस मैं बोल रहा हूँ ना, बहुत छोटा सा प्यारा सा ये लेक्चर होने वाला है, बस आप फुल कंसंट्रेशन के साथ देखें, टाइम भी बचेगा, कंसेप्ट भी सीखेंगे और क्वेश्चंस भी हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कूल, चलो भाई उसने बोला डायपोल बना लेते हैं पहले, ठीक है। देखो भाई सबसे पहले हम यहाँ बात करने वाले हैं एट ए पॉइंट, कहाँ पे बात करेंगे? ऑन डायपोल एक्सिस, डायपोल एक्सिस, ठीक है जी। डायपोल एक्सिस को ही आप बोल सकते हो एक्जियल एक्सिस, ठीक है। इसी एक्सिस को नाम दे सकते हो एक्जियल, मतलब जिस एक्सिस पे डायपोल रखा होगा उसी एक्सिस पे कोई पॉइंट लेंगे और वहां पे हम इसकी वजह से पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट है ये, आपको पता होना चाहिए कि कौन वो पॉइंट है, कहां, किस कंडीशन में है, ठीक है। तो लेट्स सी गाइस, मैंने यहाँ पे ले ली एक्स एक्सिस, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, और यहाँ पे मैंने एक चार्ज रख दिया माइनस क्यू, यहाँ पे मैंने एक चार्ज रख दिया प्लस क्यू, इसको मैं रखूंगा इथे इथे, ये माइनस एंड दिस इज प्लस, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसको आप 2l या 2d जो आपकी मर्जी हो मान सकते हो। यहाँ पे कहीं इनका सेंटर होगा, दिस इज योर सेंटर पॉइंट। तो आपको पता है इस पॉइंट सेंटर से जो डिस्टेंस है 2l, l यहाँ से यहाँ तक होगी और l ये होगी, ठीक है। और सेंटर से यहाँ पे कहीं पॉइंट p ले लो, सेंटर से x डिस्टेंस अवे चूंकि x एक्सिस पे है। पहले वो दारो करते क्या है, वैसे आपने डायरेक्ट फॉर्मूले को यूज करना है कि किस तरीके से क्वेश्चन आप बना सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ओके तो सर हमें ना पोटेंशियल निकालना है, और आपको पता है कि जो पोटेंशियल होता है, हम पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, ये तो एक स्केलर क्वांटिटी है, तो यहाँ पे डायरेक्शन का तो कोई मैटर ही नहीं है। तो इंडिविजुअल चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकालो, ऐड कर दो, जो रिजल्ट आएगा वो आंसर होगा हमारा, है कि नहीं जी? यस। तो ये है नेगेटिव चार्ज, ये है पॉजिटिव, तो किसी एक की वजह से देख ले आप, ठीक है। तो अगर मैं इसकी वजह से कैलकुलेट करूंगा इस वाले चार्ज की वजह, तो यहां से ये डिस्टेंस पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे सर, सेंटर से लेके डायपोल के सेंटर से लेके पी पॉइंट की डिस्टेंस एक्स है और ये एल है, तो ये होगी एक्स माइनस एल, ठीक है। देख लो ये डिस्टेंस होनी चाहिए, ठीक है। अब जब इसकी वजह से निकालोगे, क्योंकि ये पॉइंट चार्ज है, दो पॉइंट चार्ज मिलकर एक डायपोल बना रहे हैं, अरेंजमेंट बना रहे हैं, तो यहां से डिस्टेंस कितनी होगी सर इस पॉइंट की, आप देख सकते हैं यहां से यहां तक है x प्लस एल, तो हो जाएगी x प्लस एल। तो इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा ना महाराज, इस पॉइंट पे मैं बोल रहा हूं वो होगा पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज प्लस पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, समझ गए? यस। तो हम निकाल लेते हैं Vp नेगेटिव वाले की वजह से, k माइनस q ओवर यहां से यहां तक की डिस्टेंस है x प्लस एल, क्योंकि आपको पता है पॉइंट चार्ज का जो पोटेंशियल होता था के क्यू बाई आर होता है। तो चार्ज लेना है विद साइन लेना है, क्योंकि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, और उस चार्ज से उस पॉइंट की डिस्टेंस लेनी है r, जो भी होगी। जैसे मैंने इसका पोटेंशियल यहां पर निकाल रहा हूं, तो डिस्टेंस है दिस वन एंड चार्ज है माइनस क्यू, तो मैंने ले लिया प्लस। अब लिखेंगे पॉजिटिव की वजह से, इसकी वजह से के क्यू अपॉन ये डिस्टेंस है यहां से यहां तक एक्स माइनस एल। अब आप देख सकते हो यार ये माइनस में है, तो के क्यू आप कॉमन ले लो, तो ये बच जाएगा यहाँ पे माइनस वन बाई एक्स प्लस एल, और प्लस ये बच जाएगा वन एक्स माइनस एल। अब इसको सॉल्व करना मैं नहीं कर रहा हूँ, एलसीएम एलसीएम लेके जो भी करेगा कैंसिल वैंसिल करके, तो पोटेंशियल इस पॉइंट पे आएगा निकल के के पी अपॉन एक्स स्क्वायर, ये आएगा आंसर निकल के। ये कब आएगा, वेन डायपोल की जो ये डिस्टेंस है ना ये वाली एल, ठीक है, ये एक्स के कंपेरेटिवली बहुत कम है, यानी एक्स इज वेरी वेरी ग्रेटर देन टू एल, यानी एक इसको बोलते हैं शॉर्ट डायपोल, ठीक है, इसको बोलते हैं शॉर्ट डायपोल, ठीक है। जब सेंटर से उस पॉइंट के डिस्टेंस ज्यादा हो और डायपोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो बहुत कम हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में आप ये वाला यूज करेंगे, ठीक है ना, समझ गए आप? ओके, एक्चुअल फॉर्मूला क्या है इसका, वो भी मैं लिख देता हूं। एक्चुअल फॉर्मूला अगर शॉर्ट डायपोल की बात नहीं कर रहा, यहां से जब सॉल्व होके आएगा, तो जो डायपोल जो पोटेंशियल आएगा पॉइंट पी पे, यहां से जो आएगा वो आएगा केपी ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ये वैल्यू निकल के आएगी, एक्चुअली में ये आएगी, ठीक है।
तो यहाँ पे चूंकि मैं ये मान रहा हूँ कि x बहुत ज्यादा है, तो फिर x स्क्वायर को कॉमन ले लेना बाहर, और उसके कंपेटिवली पूरा जो फैक्टर है l कम हो जाएगा, तो x स्क्वायर से रिप्लेस हो जाएगा। सो ये आपका पोटेंशियल होने वाला है। तो जब भी वो बात करे कि यार सर एक्सियल पॉइंट पर या डायपोल वाली एक्सिस पे है ना, जो डायपोल वाली एक्सिस है, डायपोल एक्सिस पे कोई पॉइंट है और दो चार्ज है प्लस माइनस में है, मतलब एक डायपोल है, उसकी वजह से पोटेंशियल हमेशा ये होगा, हमेशा, ठीक है। तो आप देख सकते हो पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, यानी एक्स क्या है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, ठीक है, जहां पे पोटेंशियल निकालना है फ्रॉम सेंटर ऑफ डायपोल। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? यस सर, बिल्कुल समझ पा रहे हैं, ठीक है। एक रिजल्ट तो ये याद रखना एज इट इज, नो प्रॉब्लम एट ऑल, आपको बताया यहाँ पे, ये एज इट इज आपने याद रखना है, ठीक है गाइस। ओके ओके, अब बात करेंगे हम इक्वेटोरियल पॉइंट, मतलब एक पॉइंट ऐसी जगह पे लेना है जो डायपोल एक्सिस के परपेंडिकुलर वाली एक्सिस पे हो, इक्वेटोरियल उसको हम कहते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी उसको हम कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद एक जनरल पॉइंट लेंगे ना, तो एक्स पे ना वाई पे, है ना, किसी एंगल बनाते हुए एक्स और वाई के बीच में कहीं जनरल पॉइंट की हम बात करने वाले हैं, एंड उस पर क्वेश्चन भी पूछे जाने के काफी चांस बने रहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बने रहते हैं हमारे लिए। मैंने बोला छोटा सा प्यारा सा ये लेक्चर होने वाला है, इसमें जो भी डायपोल का पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट है वो सारा हम कवर कर लेंगे इजीली। ओके सो हियर वी गो, द नेक्स्ट केस इज व्हाट, नेक्स्ट केस इज दैट, ओके सेकंड केस हम लेने वाले हैं एट अ पॉइंट, ओके ऑन इक्वेटोरियल एक्सिस, इक्वेटोरियल एक्सिस का मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है, मतलब ऐसी सिलेंडर जो जहां पे डायपोल रखा है उसके परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो लेट्स सी, यहां पे रखा है डायपोल सर, ये रहा माइनस क्यू, होले होले पर होले होले, ये रहा प्लस क्यू, ठीक है जी, और ये इसका सेंटर है, तो सेंटर पे एक एक्सिस ले लो, ठीक है, अगर ये एक्स एक्सिस पे है तो ये वाई एक्सिस मान लेना, चलेगा, यस सर चलेगा। यहां पर एक पॉइंट ले लो पी, तो यहां पर निकालना है जो यहां से वाई डिस्टेंस अवे है सेंटर से, ठीक है, और हमें पता है ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक एल, ये भी होगी एल, क्योंकि दोनों के बीच की टू एल, ठीक है जी। तो इससे इसकी वजह से यहाँ पे निकालेंगे, तो पहले इसको ज्वाइन करेंगे, लेट्स से इसकी डिस्टेंस है कुछ आर, फिर इस वाले चार्ज की वजह से यहाँ पे निकालेंगे, इसकी डिस्टेंस है कुछ आर, तो इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल आएगा वो आएगा ड्यू टू नेगेटिव प्लस ड्यू टू पॉजिटिव, क्योंकि डायरेक्ट ऐड करेंगे स्केलर है, ठीक है। तो हम लिखेंगे पी पॉइंट पर नेट पोटेंशियल इसकी वजह से के माइनस क्यू, चलो बताओ यहाँ से लेके ये डिस्टेंस क्या होगी, क्योंकि हमें पता है इस चार्ज से इस पॉइंट को डायरेक्ट ज्वाइन करना डिस्टेंस आर होगी कुछ जो भी होगी, प्लस के इसका चार्ज है पॉजिटिव वाले का क्यू, इसके डिस्टेंस भी देखो सेम आर ही होगी, क्यों सर सेम ही क्यों होगी, देखो अगर मुझे डिस्टेंस निकालनी है तो ये डिस्टेंस है वाई सेंटर से वर्टिकल एक्सिस पे जो डिस्टेंस है वाई, और ये लेंथ है एल, तो आर कितनी होगी आप देख सकते हो यहाँ पे, पाइथागोरस यूज कर लो आर निकालने के लिए, आएगी अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगी ना, एंड सेम ये एल है ये वाई है, तो उसके लिए ये वाला आर भी क्या होगा सेम ही तो होगा, ये वाला आर भी होगा एल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो देखो ये आर की जो डिस्टेंस है, मतलब नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज हो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगी, आई मीन परपेंडिकुलर एक्सिस पे जो पॉइंट होगा उसकी जो डिस्टेंस होगी दोनों चार्ज से वो सेम होगी, चार्ज पहले से ही इक्वल एंड अपोजिट है, डिस्टेंस भी सेम होगी, तो ये कैंसिल, यानी पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो। याद रखना हमेशा डायपोल की वजह से एक ऐसी एक्सिस जो के सेंटर से पास हो रही है और परपेंडिकुलर है उस पे, उसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल आपका यू नो जीरो होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे निकालो कहीं भी निकालो कहीं भी निकालो, इस एक्सिस पे हर पॉइंट पे पोटेंशियल आपका जीरो होगा, समझ गया आप, इस पे हर पॉइंट पे पोटेंशियल आपका जीरो होने वाला है, तो ये ध्यान रखना। तो इक्वेटोरियल पॉइंट की कभी भी बात करेगा कि पोटेंशियल बताओ डायपोल की वजह से ऑलवेज जीरो, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। तो ये याद रखेंगे आप एज इट इज। दूसरा आते हैं पॉइंट नंबर थ्री, पॉइंट नंबर थ्री क्या है भाई, ध्यान से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट नंबर थ्री, ठीक है, इसी से क्वेश्चन ज्यादातर अभी तक पूछे गए हैं, ठीक है। एट अ पॉइंट, एट एनी जनरल पॉइंट, एक्चुअली एट एनी है ना जनरल पॉइंट, ठीक है, मेकिंग एन एंगल थीटा, ठीक है, मेकिंग एन एंगल थीटा विद डाइपोल एक्सिस। ऑब्वियसली कैसे सर, देखो ये रखा है डाइपोल, बढ़िया, ये रहा डाइपोल माइनस क्यू, एंड हियर वी गो दिस इज प्लस क्यू, ठीक है, ये आपकी वाई एक्सिस जो सेंटर से पास हो रही है, बिल्कुल सर, और आपको पता है डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन तो इधर होगी पी की डायरेक्शन, वो तो हमें पता है, अगर बनानी हो, ठीक है, डायपोल मोमेंट माइनस से प्लस होता है, कोई टेंशन नहीं है। तो उसने बोला कि ना तो हम वाई एक्सिस पे रखेंगे ना एक्स एक्सिस पे, डायपोल एक्सिस पे रखेंगे कहीं पॉइंट, हम इसके बीच में कहीं यहाँ पॉइंट ले लेते हैं, और यहाँ इसके सेंटर से डिस्टेंस होगी कुछ आर, और ये एंगल बना दिया इसके साथ थीटा। अब इस किसी जनरल पॉइंट पे निकालना, देख लो आप, ठीक है ना, वाई एक्सिस पे आइए ना एक्स पे किसी जनरल पॉइंट है और एंगल बना रहा है कुछ थीटा। जब भी क्वेश्चन में एंगल गिवन होगा ड्यू टू अ डायपोल आपसे पूछेगा पोटेंशियल, तो हमेशा ये वाला रिजल्ट यूज करके आएंगे,
हमेशा याद रखना, ठीक है। तो रिजल्ट क्या होगा वो बता रहा हूं। देखो अगर आप ध्यान से देखना चाहोगे, ये जो डायपोल है इस एक्सिस के साथ, इस वाली डिस्टेंस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो उसके दो कंपोनेंट होंगे। इसके साथ एंगल बना रहा है तो इधर जाएगा पी कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर ये वाली एक्सिस होगी, तो इस वाले पे इधर आएगा पी साइन थीटा। तो चूंकि इस, अगर आप ध्यान से देखो, पी साइन थीटा का एक डायपोल इस एक्सिस पे होगा और ये वाला पॉइंट ऐसी एक्सिस पे है जो इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है, पूरा 90। तो इसकी वजह से तो कोई पोटेंशियल नहीं होगा, जीरो होगा, क्योंकि अभी देखा हमने किसी डायपोल की वजह से परपेंडिकुलर एक्सिस पे हमेशा किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो होता है। तो अब इसी वाली लाइन पे जिस पे पॉइंट रखा है, इस वाली पे आर डिस्टेंस जो यहां से है, इसी पे एक डायपोल है जिसका डायपोल की वैल्यू है पी कोस थीटा, और इसी लाइन पे है, तो हम अब निकाल सकते हैं। तो इस पॉइंट पे जो डायपोल आएगा इसकी, इस डायपोल की वजह, जिसका डायपोल मोमेंट है पी कोस थीटा, देखो अभी कितना आया था एक्स एक्सिस पे आता है केपी वाई एक्स स्क्वायर, यहां लिखेंगे केपी नहीं, पी कोस थीटा बाई एक्स की जगह क्या लेंगे, आर डिस्टेंस, आर का स्क्वायर। एंड दिस इज द फॉर्मूला यू हैव टू रिमेंबर, जब भी कोई जनरल पॉइंट होगा दोस्तों तो हमेशा याद रखना, एंगल थीटा बना रखा है तो पोटेंशियल उस पॉइंट पर जो एंगल थीटा पे है, ठीक है ना, डायपोल एक्सिस के साथ ये फॉर्मूला यूज होगा हमेशा हमेशा। के की वैल्यू आपको पता है, पी है डायपोल मोमेंट, आर है उसकी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल, और थीटा इज द एंगल मेड बाय दैट पर्टिकुलर यू नो एक्सिस विद द डायपोल एक्सिस, है ना, वो जो लाइन है जो पॉइंट को ज्वाइन कर रही है। तो भाई ये आप याद रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से, टेंशन नहीं लेने का बॉस, ठीक है, आप ध्यान से देख सकते हैं, ठीक है। ओके तो ये थे आपके डायपोल की वजह से पोटेंशियल के कुछ फॉर्मूलाज, आपको फॉर्मूला ही याद रखने की आप जरूरत है, उसका अप्लाई कैसे करना क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको बता दूंगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। डिफरेंट एंगल पे डिफरेंट होगा एंगल, यहाँ कुछ भी गिवन होगा, आप बस वैल्यू पुट करते हैं, उसने बोला 30 डिग्री पे है तो 30 पे बताओ, 60 पे है तो 60 पे बताओ, 0 पे है तो 0 बताओ, 90 पे है तो 90 बताओ, है ना, 180 पे है तो 180, कुछ भी एंगल आपको गिवन हो सकता है, ठीक है जी, कुछ भी एंगल आपको गिवन हो सकता है, समझ जाएंगे आप। यस सर, बिल्कुल। अब एक दो क्वेश्चन मैं यहाँ डिस्कस कर लेता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से इनका एप्लीकेशन करना है। बोला था ना मैंने, छोटी सी प्यारी सी वीडियो है, कोई टेंशन नहीं है, सब कुछ आपके सामने, इतना बेसिक सा याद रखेंगे, हो जाएगा, बन जाएगी बात, टेंशन नहीं लेने का। ओके गाइस, सो हियर वी गो, कुछ क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पे आप लोगों के लिए, आपके वास्ते, जिससे आपको एप्लीकेशन करना चाहिए कि सर क्वेश्चन आएंगे तो कैसे आएंगे और किस तरीके से हम उनको हैंडल कर सकते हैं। सो हियर इज द क्वेश्चन, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से उसको पढ़ेंगे, ध्यान से समझेंगे, कंडीशन समझेंगे कि कौन से पॉइंट पे पूछ रहा है, एक्जियल, इक्वेटोरियल या किस पे पूछ रहा है, ठीक है, कम ऑन। सो हम बात करने वाले हैं, ओके, सो क्वेश्चन में बोला था डिस्टेंस बिटवीन द एच पॉजिटिव एंड सी एल नेगेटिव आयन्स इन एच सी एल मॉलिक्यूल। हमारे पास एक एच सी एल मॉलिक्यूल है, उसके दो आयन यहाँ पे रख दिया मैंने एच पॉजिटिव और यहाँ पे रख दिया मैंने सी एल नेगेटिव, तो इस पे जो चार्ज है उतना ही चार्ज, इस पे इलेक्ट्रॉन का चार्ज ले लेना, कितना सर, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्ब, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है ये सी एल नेगेटिव, ये एच पॉजिटिव, डायपोल मोमेंट इसका इधर होगा उसमें अलग बात है, ठीक है, ऐसे लग दिया मैंने इधर, देखो ना नेगेटिव चार्ज मैंने इधर लग दिया पॉजिटिव, तो क्या हुआ, इधर को डायपोल मोमेंट चला जाएगा, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, उसने बोला द डिस्टेंस बिटवीन एच एंड सी एल, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है जिसको हम 2L मानते थे, वो एज इट इज लेनी है, डिस्टेंस है इनके बीच की 1.28 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, तो ये है, इतनी है, चलो सही है सर। उसने बोला व्हाट विल बी द पोटेंशियल ड्यू टू दिस डायपोल एट द डिस्टेंस 12 एंगस्ट्रॉम ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल। एक्सिस ऑफ डायपोल की बात कर रहा है, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये है, इधर कहीं पॉइंट होगा, यहां पे निकाल लो, है ना, किस कहां से, इसके सेंटर से, है ना, इसके सेंटर से जो डिस्टेंस दे रखी है, ठीक है जी, इसके सेंटर से जो डिस्टेंस दे रखी है ये वाली डायपोल एक्सिस पे है, तो एक्स दे रखी है 12 एंगस्ट्रॉम, बस एक्स भी गिवन है, उसने क्लियर बोला है कि जो पॉइंट है वो डायपोल एक्सिस पे है, तो भाई ऐसे ही होगा ना, और जो उसकी डिस्टेंस है मतलब डायपोल से, मतलब डायपोल से का मतलब होता है डायपोल के सेंटर से, जहां पर डायपोल का सेंटर है वो मान लो आप, ठीक है, तो एक्स भी दे दिया, डायपोल के बीच की डिस्टेंस भी दे दी, तो बस हो गया। तो फॉर्मूला क्या था सर एक्सियल के केस में पोटेंशियल का, फॉर्मूला था केपी अपॉन एक्स स्क्वायर, याद करो, रख दो, वैल्यू पुट करो, पी नहीं गिवन है, तो पी को क्या लिखोगे, पी आपको पता है डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है, इनमें से किसी एक चार्ज को ले लो, उनके बीच की डिस्टेंस ले लो, ठीक है ना, ये तो होता है पी का फॉर्मूला यार, चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू डिस्टेंस बिटवीन द डायपोल्स, यू नो डायपोल मींस प्लस माइनस चार्ज, ठीक है। तो उस पॉइंट पे आ जाएगा सर के की वैल्यू हमें पता है 9 × 10⁹, एंड एक्स की वैल्यू कितनी है सर, डिस्टेंस 12 × 10⁻¹⁹ का स्क्वायर,
इनटू चार्ज कितना है सर, चार चार चार्ज, दोनों पे चार्ज होगा, ये वाला 1.6 इंटू 10^-19, डिस्टेंस कितनी है दोनों के बीच की, डिस्टेंस है दोनों के बीच की 1.28 इंटू 10^-10, इसको सॉल्व करना बस। अब यहाँ से आपकी कैलकुलेशन बनती है, ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो नियर अबाउट आंसर आएगा 0.13 एंगस्ट्रॉम बोल रहा हूँ मैं, इतना लगभग आंसर आना चाहिए इसका जो आंसर है। करने का तरीका मैंने आपको बता दिया क्या करना है, ये कैलकुलेशन आपने करनी है, इट्स योर वर्क, है ना, इट्स योर वर्क, ठीक है, यस। तो आप देख लेंगे, ऑप्शन देख लेंगे, मैचअप करा लेंगे, बस सॉल्व जरूर करना, ठीक है, क्योंकि आपको पता चलेगा अगर ये छोटा सा क्वेश्चन आ रहा है फॉर्मूला बेस्ड तो आप फर्स्ट कहाँ आ रहे हो कैलकुलेशन में, इसलिए स्मार्टली कैलकुलेशन करनी है, समझ गए लॉजिक, यस सर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू, ओके, तो गाइस सो हियर वी गो, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन नंबर टू, एंड दैट इज द कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है, एक्चुअली में जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है उसको यूज कैसे करेंगे आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, कॉन्सेप्चुअल मान सकते हो आप, ओके। उसने बोला पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डायपोल विल बी मैक्सिमम एंड मिनिमम, ओके, व्हेन द एंगल्स बिटवीन द एक्सिस ऑफ द डायपोल एंड द लाइन ऑफ द पॉइंट, लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट टू द डायपोल आर रेस्पेक्टिवली, ओके, कम ऑन। देखो अभी क्या बोला है उसने, मान ले डायपोल रखा है ऐसे, मैंने बोला ठीक है, ठीक है, और इस डायपोल एक्सिस पे नहीं, इस डायपोल को ज्वाइन, मतलब दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाली लाइन के साथ किसी एंगल पे कोई पॉइंट है आर डिस्टेंस अवे जो थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है, ये वाली कंडीशन है, मतलब ये तो सर जनरल पॉइंट वाला होगा, यस। तो बताओ क्या बोल रहा है, बताओ इस केस में कौन कौन सी वो एंगल है जिसपे डायपोल ये जो पोटेंशियल होगा मैक्सिमम होगा और मिनिमम होगा। पहले देखो इस केस में पोटेंशियल होता क्या था, के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, यही होता था। तो इस पर डिपेंड करेगा कब ये मैक्स होगा कब मिनिमम होगा, देखना ध्यान से, अगर थीटा जीरो रखोगे तो कॉस जीरो की वैल्यू मैक्सिमम होती है, दैट इज वन, तो पोटेंशियल भी मैक्सिमम आएगा, तो समझ जाओ आप, ठीक है। तो थीटा जब जीरो डिग्री होगा तो पोटेंशियल मैक्सिमम देगा, ये कंडीशन डायपोल के लिए, डायपोल की ये कंडीशन, उस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा मैक्सिमम आएगा, समझ गए। अब देखो अगर किसी ने थीटा ले लिया 180 डिग्री, ठीक है, तो कॉस 180 मींस दैट इज -1 और -1 इज द मिनिमम वैल्यू, ठीक है, मिनिमम वैल्यू ऑफ द कॉस, ओके। तो अगर ये मिनिमम है 180 पे, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल आएगा वो मिनिमम आएगा एट थीटा इज इक्वल टू 180, चेक आउट योर ऑप्शन, यानी मैक्सिमम होगा जीरो पे, मिनिमम होगा 180 पे, समझ गए ना। This is how smartly you can use this, you know, this formula to solve the problem. Okay. Okay. So this is the next question, and I think this is last question. Okay. Last ही मानेंगे इसको, ठीक है? तो last question है sufficient है यार, छोटा सा प्यारा सा concept ही है, मैंने आपको बता दिया किस तरीके से use करना है आपने इसका numerical करने के लिए, hope so आप enjoy कर रहे होंगे, ठीक है? उसने बोला एक short electric dipole है sir, dipole moment आपकी बार दे रखा है 16 × 10^-9, dipole moment मतलब P दे रखा है 16 × 10^-9 कूलम मीटर, ओके सर, ओके, कम ऑन। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द डायपोल एट ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.6 मीटर, ओके, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल, सही है, देन सिचुएटेड ऑन ए लाइन मेकिंग एन एंगल ऑफ 60, और गलती से उसने बोला एक ऐसी लाइन पे है जो डायपोल एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना रही है, तो समझ गए ना, समझ गए बॉस, यहाँ पे होगा माइनस क्यू, यहाँ पे होगा प्लस क्यू, एक लाइन जो कुछ एंगल बना रही है दैट इज 60 डिग्री, यहाँ पर आर डिस्टेंस अवे और आर दे रखी है आपको, कितनी आर दे रखी, 0.6 मीटर, कम ऑन, 0.6 मीटर, सब कुछ गिवन है। अब आपको पता है पोटेंशियल पे पूछ रहा है, पोटेंशियल निकाल लो, के पी कॉस थीटा ओवर आर स्क्वायर, ठीक है, एंगल गिवन है तो पक्का यही यूज होगा यार, क्या बात कर रहे हो आप, ठीक है, चलो उड़ा डालो। तो क्या करेंगे सर, 9 × 10^-9, के की वैल्यू पुट करो, पी कितना दिया है सर 16 − 9 cos 60, आर कितना है सर 0.6 का स्क्वायर, हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा, आंसर चेक कर लो, हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करूंगा, तो कर लेंगे ना यार, ठीक है, cos 61/2 होता है, ये 9 है और ये पूरा 9 कैंसिल हो गया, तो 16 × 9 लिख लो, यहाँ पे cos 61/2 आएगा, ठीक है, और यहाँ आएगा, देखो 6 का स्क्वायर करोगे 36 और -1 भी है तो माइनस का 2 आएगा पॉइंट में, ठीक है, और ये 4 होगा, ये 4 होगा, समझदार हो रहे हो, समझदार हो रहे हो, मतलब 200 आ गया, ये 200 वोल्ट, क्या बात है, धीरे धीरे होशियार हो रहे हो बॉस, 200 वोल्ट होना चाहिए। नाउ यू जस्ट चेक आउट द यू नो कैलकुलेशन, देख लेना एक बार, ठीक है, आफ्टर ऑल आई एम आल्सो ह्यूमन बीइंग, तो एरर मिस हो सकती है बॉस, ठीक है, बट होने नहीं चाहिए, आप देख लो, दिस इज द लॉजिक, दिस इज द कंसेप्ट, दिस इज द फॉर्मूला, ओके, एंड दिस इज हाउ यू कैन यूज दीज ओन कंसेप्ट टू सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, मजा आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो आप भी फोड़ क्या होगे, मस्त तरीके से फोड़ क्या होगे, इतनी सी थी ये कहानी इस पर्टिकुलर लेक्चर में, ओके। तो मस्त तरीके से इसको आप यू नो अपने क्वेश्चंस करने के लिए अप्लाई करना, अच्छे से प्रैक्टिस करना, ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चन कर लेना, क्योंकि इसमें ऑलरेडी आपको ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे नहीं, बट इस पे कंसेप्चुअल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, तो दैट्स व्हाई फॉर्मूला याद रख के जाना मस्त तरीके से, क्योंकि लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया था, दैट्स व्हाई, ठीक है, मेंस और
नीट के एंट्रेंस एग्जाम में। ओके गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में ऑसम से एक कंसेप्ट के साथ। तब तक आप प्रैक्टिस करते रहना, कोई भी डाउट हो तो बिना शर्माए पूछ लेना बॉस, ठीक है, बिना शर्माए। ओके एंड ऑल द बेस्ट।